साइन करती है या इस खोलते हुए रॉड से जलाऊं अभी? बोल। नहीं काकी, प्लीज काकी, ऐसा मत करो काकी, प्लीज। ये मेरे पापा का घर है, ये मुझसे मत छीनिए, प्लीज। लगता है तू जलने के बाद ही साइन करेगी। आप मुझे अपने निशान दिखा रही थी ना दी, वो निशान जो खुद आपने अपने आप को दिए, लेकिन मेरे साथ काकी ने ये किया, मुझे जलाकर, मुझे मारकर मेरे सिग्नेचर्स ले लिए और हमारा घर बेच दिया। और फिर उन्होंने मुझे उनके घर से बाहर निकाल दिया। पूरी रात मैं घर के बाहर बारिश में भीगते हुए खड़ी रही, लेकिन काका काकी को मुझ पे कोई तरस नहीं आया। पूरी रात उस बारिश में भीगते हुए मैं रोती रही और मन ही मन में आपको पुकारती रही और कहती रही कि प्लीज दी, अब वापस आ जाइए। इट्स मी टू अगेंस्ट द वर्ल्ड। अगर अपने हेतल को बचा लीजिए, लेकिन नहीं, आप वापस नहीं आई। बस उस दिन मैंने फैसला कर लिया था दैट वी टू अगेंस्ट द वर्ल्ड सिर्फ एक झूठ था, एक दिखावा था। सच तो सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ उस लड़के से प्यार किया है। मुझसे और पापा से तो कभी प्यार किया ही नहीं था, और उस लड़के से मैं नफरत करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। जितनी नफरत मैं उस लड़के और उसके परिवार से करती हूं, उतनी नफरत मैं आपसे भी करती हूं। इसलिए दोबारा मेरे पास मत आइएगा और मुझसे किसी भी प्यार या अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद मत रखिएगा, समझे आप? आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। हाँ
कर रहे हैं आप? तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा? तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी